हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशिबाला और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। तो देखिए, हमें इस क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 6.41 इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। तो चलिए हम फिगर में देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। तो गिवन में फर्स्ट पॉइंट है ए बी पैरेलल सी डी। तो यहाँ पे ए बी आपको सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, उसी के साथ उन्होंने हमें दिया है एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री। तो आप एंगल बी ए सी जो है इसको आप एंगल बी ए ई तक भी एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें दिया है एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये सब उन्होंने हमें गिवन में दिया है और इसके साथ हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई। तो हमारा एंगल डी सी ई, तो ये है हमारा एंगल सी जिसे हमें फाइंड करना है। तो जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसी को यूज़ करके हमें अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने हमें दिया है ए बी पैरेलल सी डी, तो उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व हो सकता है। तो देखिए, ए बी यहाँ पे डी ई के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम रफ स्केच में देख लेते हैं ए बी पैरेलल डी ई। और देखिए ए ई जो है ये कोई ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, ठीक है। ये ए ई जो है ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल हमें दिया हुआ है 35 डिग्री। तो आप मुझे बताइए ये एंगल जो है ये फिर कितना होगा। ए बी जो है डी ई के पैरेलल है और ए ई जो है ये ट्रांसवर्सल है, तो आप देखिए ये यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, ये एंगल जो है कौन सी शेप बना रहे हैं, जेड शेप। तो जेड शेप में जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एंगल ई। अब एंगल ई फाइंड करने का हमें क्या बेनिफिट है, तो देखिए हमें एंगल निकालना है एंगल सी, हमें निकालना है डी सी ई। तो अगर इस ट्राइंगल में सी डी ई ट्राइंगल में अगर हम एंगल ई फाइंड कर लेते हैं तो एंगल डी जो है ऑलरेडी हमारे पास है, तो इन दोनों एंगल को यूज़ करके हम एंगल सी निकाल सकते हैं। तो एंगल सी हम कैसे निकालेंगे, हम इस ट्राइंगल में यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या बताया है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है तो उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम यहाँ पे एंगल सी जो है इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, वी हैव ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एंगल डी सी ई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड, तो ट्रांसवर्सल है हम यहाँ पे कौन सी यूज करने वाले हैं, ए ई, एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफोर हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल बी ए सी। तो आप बी ए सी लिखिए, जब बी ए ई लिखिए वन एंड द सेम थिंग, तो हम बी ए ई लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल, इसको हम लिख सकते हैं डी ई ए, या फिर आप इसको ए ई डी भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल जो है ये क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल्स हमारे पास यहाँ पे इक्वल होंगे। तो अब आपके पास बी ए ई की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है बी ए एंगल जो है वो कितना है, 35 डिग्री। तो हमारा एंगल डी ई ए जो है ये यहाँ से निकल गया, हम इसको ऑर्डर रिवर्स करके लिख लेते हैं, डी ई ए इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो इसको हम यूज़ करेंगे।
अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल सी डी ई। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई, हम ले लेते हैं ट्राइंगल सी डी ई। अब इस ट्राइंगल में देखिए एंगल सी प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और ये कैसे आया, थ्रू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो अब जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल सी जो है हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो हमारे पास कितना है 53 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू 53 डिग्री, और प्लस एंगल ई हमने अभी फाइंड किया, ये है ना एंगल ई, तो हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी आपका यहाँ पे एज इट इज, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी यहाँ पे इस तरफ रहेगा और 88 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 88 डिग्री। तो इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारे पास 92 डिग्री। तो हमारा एंगल सी जो है वो कितना निकल गया 92 डिग्री। तो हमें यही फाइंड करना था, तो हम लिख लेते हैं हैंस एंगल सी। अब एंगल सी को उन्होंने किस तरह से लिखा है, डी सी ई, तो हम लिख लेते हैं एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री। तो हमें इसी को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ आया होगा।